ये है हमारा वेट गेन शेक, जिसको ऐड करना है आपने अपनी वेट गेन की डाइट में, और इसको आप स्नैक टाइम पे ऐड कर सकते हैं। और गाइस इसके अंदर मैंने जो चीजें यूज की है, एक खजूर, थोड़ा कैमरे को सीधा कर, कैमरा टेढ़ा है। सो गाइस इसके अंदर मैंने खजूर ऐड की है, बादाम ऐड किए है, और थोड़े से मैंने काजू ऐड किया। और यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप पीनट को ऐड कर सकते हैं इस शेक को बनाने के लिए। सो गाइस अगर बात करें हम डेट्स की, जहाँ पे तीन डेट्स मैंने यूज की है, और डेट्स जो है खजूर रहती है वो गाइस हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है, क्योंकि जो डेट्स में खजूर रहती है गाइस वो आपके ब्रेन को बूस्ट करती है, आपके डाइजेस्टिंग सिस्टम को सही रखती है, और गाइस ये आपके ब्लड शुगर को भी मेंटेन रखती है। तो डेट्स काफी अच्छी है, और जरूर आपको अभी सर्दी का टाइम है तो जरूर मतलब आपको ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट में। सो बाकी इसके अंदर मैंने बादाम ऐड किए, बादाम आप सबको पता है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बादाम हमारी हेल्थ के लिए वैसे भी जरूरी है, छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को बादाम खाने चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे है। थर्ड में मैंने जो यूज किया है वो काजू है, काजू हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है, और काजू उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो लोग इनको हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, और गाइज काजू जो है हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल रहता है उसको भी कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। सो काजू के बहुत सारे फायदे हैं, बनाने को चाहूंगा तो बहुत सारी बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो इतनी बड़ी वीडियो नहीं बनानी हमें। सो गाइज देखिए ये शेक तीन से चार चीजों को मैंने मिला के बनाया है, और अगर आप लोग वीगन है, वीगन लोग जो दूध को अवॉइड करते हैं तो वो वहां पे पानी को ऐड कर सकते हैं, बाकी अदर है आप वेजिटेरियन है जो आप नॉन वेज वगैरह खाते हो तो आपको मिल्क ही यूज करना चाहिए अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी सा शेक है यार ये, और आप जू ट्राई करो इसको और काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इसको आप दिन में वैसे कौन से भी टाइम पे ऐड कर सकते हैं, बट मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि आप स्नैक टाइम पे इसको ऐड करें, और दिन में दो बार तो जू ट्राई करें अपनी वेट गेन की डाइट में इसको ऐड करें, और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस शेक से। सो गाइज यही थी वीडियो हमारी आज की, और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, एंजॉय करो इस शेक के साथ। तो इसके लिए हम लेंगे तीन खजूर, तो तीन डेट मैंने ले लिए, और 20 ग्राम तक हम बादाम लेंगे। अगर आपके पास बादाम नहीं है तो आप यहाँ पे पीनट को ऐड कर सकते हैं, और 20 ग्राम तक हम लेंगे काजू। तो काजू अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिए, और काजू काफ़ी अच्छे आपकी वेट गेन करने के लिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चॉकलेटी पाउडर यूज़ करेंगे, अगर आपके पास चॉकलेटी नहीं है तो आप हनी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप वीगन है तो आप पानी यूज़ कर लीजिए, अगर आप वीगन नहीं है तो आप यहाँ पे मिल्क ऐड करें, तो इनमें से दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही बेस्ट है। तो गाइस इसके लिए एक आपको मिक्सर चाहिए, जिसके अंदर हम ये शेक को बनाएंगे। तो सबसे पहले मिल्क को ऐड कर लेते हैं, फिर बाकी का जो भी हमारा सामान है उसको सबको इसके अंदर ऐड कर लेंगे, जैसे काजू बादाम। और गाइस इसका जो डेट्स का जो बीज है उसको निकाल लीजिए पहले ही, क्योंकि मिक्सर ख़राब हो सकता है आपका अगर बीज के साथ यूज़ करें। अब लास्ट में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा चॉकलेटी पाउडर, अगर आपके पास हनी है तो हनी ऐड करें। तो जस्ट दो मिनट में ये शेक रेडी हो गया। सो गाइज ये रेडी है, आप कौन से भी टाइम पे इसको ऐड करके अपना वेट गेन कर सकते हैं।